नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। इंद्र देवता से खेतों में बैठकर किसान कर रहे प्रार्थना, जल्द हो बारिश, खेत की जमीन फट रही, सरकार करे सूखा घोषित। खबर कोंडा जनपद से, जहां पर उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं होने के चलते धान की खेती प्रभावित हो रही है। जुलाई का दूसरा सप्ताह चल रहा है, सावन माह अच्छी बारिश होती थी, किसान खुशहाल होते थे, अब तक खेतों में धान की रोपाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोंडा जनपद में ऐसा नहीं हो सका। किसान अब तक अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपने खेतों में धान की रोपाई कर सकें। किसानों को इस बात की चिंता सता रही है कि झंझरी ब्लॉक पदुम गांव के किसान खेत में अपनी धान की खेती देखने पहुँचे इंद्र देवता से प्रार्थना कर रहे हैं, जल्द हो बारिश की, अगर बरसात नहीं होगी तो धान की रोपाई कैसे होगी, डीजल महंगा, कैसे करें खेत की सिंचाई, नहरों में पानी नहीं, किसान धान की रोपाई कैसे करें। जिन किसानों ने खेतों में धान की रोपाई कर दी है, बारिश ना होने से खेत की मिट्टी फट रही है, सरकार सूखा घोषित कर किसानों को दे मुआवजा। गोंडा से जिला संवाददाता राम नारायण जायसवाल की रिपोर्ट। क्यों बैठे हैं, क्या मामला है, क्योंकि बरसात हो रही नहीं हो रही है। हमारा नाम ईश्वरदीन है और धान पानी भर के बैठाया गया है, पानी बरस नहीं रहा है, जमीन फट गई है, कैसे धान होगा कैसे नहीं होगा, ये समस्या है। आए हैं खेत में धान देखने आए हैं कि हुई कि ना हुई, झोरा पड़ रहा है, पानी नहीं गिर रहा है, सूखा घोषित करें, हमका हमका मदद करें, मुआवजा दें, मुआवजा दें। तो ये कितनी लागत लगाई होगी आप? लगभग माँ एक बीघा के पीछे 3,000 रुपया लागत थी। क्या क्या डालते हैं? डाई, यूरिया, पानी, जुताई, बीज। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।